ग्रामीण भागों में लगने वाले मंडई मेले में रौनक ही नहीं, सजी हुई दुकानों पर छाया सन्नाटा। नाटक के मंच की चर्चाओं के बीच पहुंचे थे विक्रेता, परंतु प्रतिसाद नहीं मिला। तो क्या हुआ, देखते हैं इस खबर में। बीते 10 वर्षों से नवंबर की तय 30 तारीख को मंडई का आयोजन होता रहा है। इस बीच एक नाटक की जानकारी भी वायरल हुई, जिससे मंडई में विविध स्टॉल व दुकानें लगाने वाले और मेहमान भी पहुंच गए। परंतु हर वर्ष की तुलना में इस बार मंडई प्रेमी नागरिक ही नहीं पहुंचे, जिससे दुकान स्टॉल लगाने वालों को मायूस होकर लौटना पड़ा। मंडई का अर्थ होता है एक प्रकार की छोटी यात्रा या मेला। ब्रह्मपुरी तहसील में धान की फसल हाथ आते ही ग्रामीण मनोरंजन व मेल मिलाप के उद्देश्य से यह मंडई मेला लगता है। नाटकों के साथ झूला तथा विविध सामग्री की दुकानें इस उपलक्ष्य में सजती है। मनोरंजन व भ्रमण के साथ बच्चे व महिलाएं विशेष रूप से खरीदी करते हुए ग्रामीणों का उत्साह बढ़ता है। परंतु इस वर्ष मंडई समझ कर आए छोटे छोटे ग्रामीण विक्रेताओं को बड़ी मायूसी हुई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक विक्रेता ने बताया, आज नाम भारत विश्वराव उर्कुटे राहणार पांढरेपार तालुका नागपीर जिल्हा चंद्रपूर या गावावरून दरवर्षी प्रमाणे आपल्या पिंपळ गाव येथे मंडईचं आयोजन होत होता, परंतु यावर्षी अचानक 30 तारखेला मंडई नसल्यामुळे सर्व दुकानदार येऊन सर्व नाराज होऊन काही दुकानदार परत गेले। मी संजय चहांदे ब्रह्मपुरी, माझा हा स्वेटरचा छोटासा बिझनेस आहे, तो मी घेऊन ह्या गावामध्ये 30 तारखेला हर वर्षीप्रमाणे 10 वर्षाचा जमाना झाला आहे ते धंदा करतो। आज ह्या मंडईच्या निमित्तानं आम्ही ह्या गावामध्ये आलो। आता इथं मंडई नसल्यामुळे आमचा काही ह्यावरती एक पैशाचा धंदा झालेला नाही आहे आणि आमच्यावर हा यंदाचा ठेका बसला आहे। मंडई गांव का स्वस्थ मनोरंजन का माध्यम है, परंतु नियोजन व संवाद के अभाव में इस वर्ष यह मंडई ढंग से नहीं हुई, जिसका खामियाजा विक्रेताओं को भुगतना पड़ा। ब्रह्मपुरी से मधुकर मेश्राम की रिपोर्ट।